गुड इवनिंग बेटा, आपका आवाज सुनाई दे रहा होगा मेरा। हाँ यस सर, गुड तो लास्ट क्लास में मैंने पीरियडिक प्रॉपर्टी कुछ बताया था, तो पीरियडिक प्रॉपर्टी में लगभग दो प्रॉपर्टी हो चुके हैं। पहला प्रॉपर्टी है अनेसन पोटेंशियल और सेकेंड प्रॉपर्टी था एटॉमिक रेडियस। तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है बेटा? एटॉमिक रेडियाई में कोई प्रॉब्लम है? साइज ऑफ एटम में कोई दिक्कत नहीं है? अनेसन पोटेंशियल में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अनेसन पोटेंशियल अभी चल रहा था, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस हो चुका था, है ना? तो मैंने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग अनेसन पोटेंशियल, तो कौन कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं। इसमें मैंने बताया था इन फैक्टर्स में पहला फैक्टर था तुम्हारा एटॉमिक रेडियस। तो अगर सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था एनर्जी पोटेंशियल, तो एनर्जी पोटेंशियल में किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जहां तक मैंने बताया था वहां तक। तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि एनर्जी पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, कैसे तुम एनर्जी पोटेंशियल को डिफाइन करोगे, एनर्जी एनर्जी को, और कौन कौन से फैक्टर है जो एनर्जी पोटेंशियल को इफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर था एटॉमिक रेडियाई। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो एनर्जी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी पोटेंशियल होगा। थर्ड फैक्टर था शील्डिंग इफेक्ट, तो जितना ज़्यादा शील्डिंग होगा उतना कम एनर्जी पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पर होगा, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं, जो फोर्थ है, फोर्थ फैक्टर यहाँ पर है टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल से क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा ऐसा पोटेंशियल। तो देखो बेटा, तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर हम लोग बात करें अलग अलग ऑर्बिटल्स की, ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स होता है उसमें से जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो जो एस ऑर्बिटल है न्यूक्लियस से सबसे पास होगा। तो ये एस ऑर्बिटल होगा स्फेरिकल शेप, फिर उससे थोड़ा सा दूर पी ऑर्बिटल होगा, तीन पी ऑर्बिटल था बेटा, है ना, ऐसी बात क्या होगा, पी ऑर्बिटल, ये सेम न्यूक्लियस है यहाँ पर, है ना, ये पी ऑर्बिटल होता है। जो पी ऑर्बिटल बेटा थोड़ा सा दूर हो गया यहाँ पर, देखो, है ना, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। बात करोगे डी ऑर्बिटल का, तो जो डी ऑर्बिटल हो डबल डम्बल शेप होता है इस तरह से, तो जो डी ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से और दूर होगा, ठीक है। और अगर एफ ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो एफ ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, और ज्यादा दूर होगा। अब एफ ऑर्बिटल तुम ड्रा नहीं कर सकते, प्लेन ऑफ पेपर पे काफी कॉम्प्लेक्स होता, तो मैं एफ ऑर्बिटल को ड्रा नहीं करूंगा। तो यहाँ से काफी आइडिया लग गया होगा कि न्यूक्लियस के सबसे पास क्या होगा, एस ऑर्बिटल, उसके थोड़ा सा दूर क्या होगा, पी, डी और एफ, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है रिलेटिवली एस ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। और अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से दूर है, उसको निकालना ईजी होगा, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा बेटा, एस ऑर्बिटल का, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर है, तो दिखा रहा है कि एनर्जी कहाँ पर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगा किस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा एस इलेक्ट्रॉन को, हाँ, एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा,
इसलिए बेटा जो अनसर्ट पोटेंशियल है ना, तो अगर एच इलेक्ट्रॉनों को निकालोगे तो अनसर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, पी ऑर्बिटल कम होगा, डी ऑर्बिटल भी और कम होगा, एफ ऑर्बिटल भी सबसे कम होगा, तो ये ऑर्डर आता है। ठीक है, ये ऑर्डर किसका है बेटा? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी के लिए है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में है तो आयनाइजेशन एनर्जी सेम क्वांटम नंबर के लिए सबसे कम होगा। समझ में आ गया बेटा ये पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट समझ में आ गया? यस सर। पेनिट्रेटिंग एनर्जी समझ में नहीं आ, एनर्जी नहीं है ये, देखो यहाँ पेनिट्रेशन मतलब कि कितना दूर कितना पास है, जो एस ऑर्बिटल है न्यूक्लियस सबसे पास है ना, यस, और जो डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस सबसे दूर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन अगर तुम एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है ना, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो एस ऑर्बिटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लग रहा है, और इस इफेक्ट को पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं, कुछ है नहीं, अब अलग से एक फैंसी नाम दे दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलो। यहाँ पर आगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, तो तुम्हें मालूम है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल है ना, अगर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या फिर जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगा, है ना, मालूम है ना? अगर हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, स्टेबल मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होगा, तो स्टेबल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना होगा, है ना। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फुली फील्ड है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सो हाई आयनाइजेशन एनर्जी पर, हाई आयनाइजेशन एनर्जी पर हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट फ्रॉम हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है जेड इज टू सेवन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2px1, 2px y, 2pz1। तो यहाँ देखो ये हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। सेकंड यहाँ पर है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इनर्ट गैसेस इज वेरी हाई ड्यू टू स्टेबल। इधर है बेटा, यहाँ देखो फुली फील्ड ऑर्बिटल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो जितने भी नोबल गैस है, नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा, सेम ग्रुप में नोबल गैसेस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ तक। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर पीरियडिसिटी इन आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पर पीरियडिसिटी देखेंगे कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन ए पीरियड, तो पीरियड हम लोग कैसे मूव करते हैं बेटा, पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है लिथियम, तो एग्जाम्पल दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल है ये दिया गया है लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, लिथियम बेरिलियम के बाद यहाँ बोरान है। ठीक है, लिथियम बेरियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या बताता बेटा, जनरल ट्रेंड में अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे जो जेप्ट वैल्यू है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, तो बेटा इंक्रीज होता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा,
और जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। सो हायर जेप वैल्यू मींस हायर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसलिए अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लिथियम बेरिलियम कार्बन बोरान तब तुम जा रहे हो आगे, तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो भी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और कुछ एसेप्शन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोरान और ऑक्सीजन के केस में कुछ एसेप्शन है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी देख लो, यहाँ पर एसेप्शन को यहीं देख लो। तो अब देखो क्या होता है, अगर तुम बात करोगे आयनाइजेशन पोटेंशियल की, है ना, तो जनरल ट्रेंड क्या, अगर लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियान, तो जनरल ट्रेंड क्या बोलता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब लिथियम का सबसे कम और नियान का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर रूल नंबर 5 में, यहाँ पर, ठीक है, जब फैक्टर नंबर 5 में पढ़ा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर हाई, ठीक है। तो जहां जहां पर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे आउटर मोस्ट सेल का, ठीक है, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा हो जाएगा 2s1, बेरिलियम का क्या होगा, बेरिलियम का होगा 2s2, बोरान का क्या होगा 2s2 2p1, कार्बन का क्या होगा 2s2 2p2, ठीक है, मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन का देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन का होगा 2s2 2p3, ऑक्सीजन का होगा 2s2 2p4, फ्लोरीन होगा 2s2 2p5 और नियान होगा 2s2 2p6। तो नियान में जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है नियान का, इसलिए जो नियान है नियान का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहाँ पर दिया भी गया, हम लोग जनरल ट्रेंड से भी देख लिए कि नियान का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन जहां पर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जैसे बेरिलियम का देखो, बेरिलियम देखो जो 2s ऑर्बिटल, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है ना, और जो 2s सबसेल है यहाँ पर, ये फुली फिल्ड है ना, देखो जो 2s है फुली कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, इसलिए जो बेरिलियम, बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, ये बोरान से ज्यादा चला जाता है, बोरान का इससे कम हो जाएगा। तो जहां पर फुली फिल्ड हाफ फिल्ड आएगा उसको एक प्लेस आगे कर दोगे। उसी तरह तुम आगे जाओगे नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन में जो पी ऑर्बिटल है, जो पी सबसेल है, पी सबसेल क्या है, हाफ फील्ड है ना, देखो 2p3, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है पी सबसेल का, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 मतलब हाफ फील्ड, 50% फुली फील्ड यहाँ पर हाफ फील्ड है, ठीक है। तो अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का प्लेस क्या होगा, आगे कर दोगे, है ना। तो अब यहाँ पर एक्चुअल ट्रेंड क्या आएगा, किस तरह से यहाँ पर इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक किस तरह तुम इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओगे, देखो यहाँ। तो अब क्या करना है, इस तरह से नॉर्मल लिखोगे, इस तरह तुम लिखते आए हो उस तरह से लिखते जाओगे, है ना। पहले क्या है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियान, ठीक है। तो लिथियम का सबसे कम होगा, इस तरह तुमने कर दिया, ये हो गया, ये तो क्या जनरल ट्रेंड। लेकिन जहां पर हाफ फील्ड और फुली फील्ड है बस वहां पर एरो को अलग कर दो, देखो यहाँ पर बेरिलियम क्या है बेटा, फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एस ऑर्बिटल फुली फील्ड है, तो बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। उसी तरह से नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इस तरह से साइन को उल्टा कर दोगे, या फिर ये कर सकते हो एक प्लस आगे कर दो इस तरह से, है ना, जिस तरह मैंने ऊपर एरो बनाया उस तरह से कर दो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, लिथियम के बाद क्या आ गया, बोरान आ गया, देखो बोरान यहाँ पर आ गया, बेरिलियम बोरान के पास चला गया, ठीक है, बेरिलियम। फिर इसके बाद क्या है, कार्बन के बाद क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन आ जाओ जगह पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन आफ्टर देन नियॉन,
ठीक है, इस तरह से लोग लिखेंगे। तो जहां पर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां पर तुम उसका रिवर्स कर दोगे, ठीक है, जो साइन है एरो का ग्रेटर देन लेस देन का उसको रिवर्स कर दोगे। तो ये होगा तुम्हारा सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये जो तुम्हारा पीरियड है वो सेकंड पीरियड है, ठीक है। तो इस तरह से दो पीरियड हम लोग देखेंगे, तो होगा तुम्हारा सेकंड पीरियड। और दूसरा सिस्टम आता है बेटा थर्ड पीरियड एलिमेंट में, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में भी इसी तरह से आएगा, अगर थर्ड पीरियड में लिखोगे तो पहला जो एलिमेंट है वो है सोडियम, दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम, ठीक है, अल्मोनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। ये है थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब यहां पर तुम्हें लिखना है तो जनरल ट्रेंड क्या होगा, जनरल ट्रेंड कैसे लिखोगे बेटा, ये तो होगा जनरल ट्रेंड, लेफ्ट राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, इस तरह से लिख दिया तुमने। लेकिन जहां पर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा वहां पर चेंज कर दोगे। तो बोरान के जस्ट नीचे मैग्नीशियम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोरान का है वही क्या होगा, मैग्नीशियम का होगा, फुली फिल्ड वाला है ना, इस तरह से कर दोगे। उसी तरह से जो नाइट्रोजन का है वही फास्फोरस का होगा, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो साइन है रिवर्स कर दोगे। या तो इस तरह से लिखो, ये वाला इस फॉर्मेट में लिखो, या फिर इस वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये वाला फॉर्मेट भी लिख लो, यहाँ पे क्या होगा सोडियम, सोडियम के बाद क्या आएगा यहाँ पर अल्मोनियम, अल्मोनियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सिलिकन, सिलिकन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, साइन लगा दो इस तरह से। ये प्लस क्या किया तुमने, चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया इस तरह से। तो ये दोनों एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना, ये बहुत पूछता है, ठीक है, ये वाला जो एक्सेप्शन है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का याद कर लेना, याद हो जाएगा ना। यस यस सर, एनसीईआरटी में ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया गया है, बोरान का कम है बेरिलियम से, उसी तरह देखो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है ना, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है ना, तो ऑक्सीजन का कम है नाइट्रोजन से, तो दो जंस बनाएगा बोरान और ऑक्सीजन के केस में, तो बोरान और ऑक्सीजन का कम हो जाता है, ठीक है। तो जो बोरान है, बोरान का कम हो गया, ऑक्सीजन का भी कम हो गया। आगे देखते हैं बेटा, आगे पीरियडिक प्रॉपर्टी देखना है इन द ग्रुप, ग्रुप में कैसे जाते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम जाओगे, है ना, ऊपर से नीचे। तो ग्रुप में कोई सस्पेंशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जनरली जो नॉर्मल एलिमेंट है वहां पर कोई एक्सेप्शन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, साइज बढ़ने पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है डिक्रीज होता जाए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो लिथियम का सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे यहाँ पर देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो लिथियम का हाईएस्ट होगा, फिर इस तरह से नीचे चलते चले जाओगे और आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, लिथियम से कम क्या होगा सोडियम, सोडियम से कम पोटेशियम, पोटेशियम से कम रुबिडियम और रुबिडियम से कम सीजियम का होगा, ठीक है। तो ये हो गया पीरियडिक प्रॉपर्टी, पीरियडिक ट्रेंड हो गया, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होता है इन द ग्रुप एंड इन द पीरियड। आगे हम लोग पढ़ना बेटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ऊपर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इसमें ग्रुप वाला बता दीजिए मेरे को, इन द ग्रुप में, ग्रुप में देखो क्या हो रहा है बेटा, तुमने ग्रुप लिया, ग्रुप क्या हुआ यहाँ पर, तुम्हारा फर्स्ट ए ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप है ना, ठीक है। अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा बेटा, जो रेडियस है, जो साइज है, साइज बढ़ेगा ना, साइज बढ़ेगा कि नहीं, अगर लिथियम से सोडियम में जाओगे तो सोडियम का साइज बड़ा है लिथियम से, बड़ा है ना सोडियम का साइज, बोलो यस सर,
अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा, मतलब कम एनर्जी से तुम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल ले जाओगे, है ना। इसका मतलब ये होगा टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो एनर्जी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ एनर्जी पोटेंशियल डिक्रीजेज बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ठीक है बेटा। ओके सर, अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और किसी कोई डाउट है? नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे बेटा, पढ़ना हम लोगों को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एक इम्पोर्टेंट पीरियडिक प्रॉपर्टी है, तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है, और जो इसका डेफिनेशन है एज सच लिखना पड़ेगा बेटा, डेफिनेशन में कोई छेड़खानी हम लोग नहीं कर सकते, जो इसका डेफिनेशन है वही एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ वन मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का एनर्जी, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। कब एनर्जी रिलीज होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ वन मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इधर देखो, यहाँ पर हम लोग बना रहे एक एटम, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है और ये रहा इसका आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब इस आउटर मोस्ट सेल में तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, बाहर का एक फॉरेनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया बेटा, है ना, फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, है ना, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा। याद रखो बेटा, जब भी तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे एटम में तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी क्या बोलोगे बेटा, इस एनर्जी को क्या बोलोगे, उसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो एक मोल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को यहाँ पर टर्म दिया गया है, ठीक है, एडेड टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ वन मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, जो एटम है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, वन मोल एटम होना चाहिए, वन मोल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो, जो टोटल एनर्जी रिलीज होगा उस टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलोगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर तुमने ये एटम ले लिया, ये आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एटम है, याद रहे बेटा गैसियस स्टेट में होना चाहिए, अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं बोलेंगे। तो ये न्यूट्रल गैसियस स्टेट एटम हो गया, उसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने पर क्या बन गया बेटा, यहाँ पर अनायन बन गया और एनर्जी रिलीज हुआ। तुम्हें एक टर्म मालूम होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तुम्हें याद होगा क्लास के अंदर देखा होगा तुमने, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज, है ना। तो अगर एनर्जी रिलीज होगा तो उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज होता है
ठीक है, अगर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मी। एक्सोथर्मी मतलब एनर्जी रिलीज। यस। और इंडोथर्मी मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या बोलोगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है बेटा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में नहीं डाउट है। तो अब ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया न्यूट्रल एटम में तो एनर्जी रिलीज हुआ, तो इसको क्या बोलोगे बेटा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगा, जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने पर एनर्जी रिलीज होगा, जब एनर्जी रिलीज होता है तब लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रश्न यहाँ लिखा हुआ दो रिएक्शन में से, उसमें से जो फर्स्ट वाला है वो एक्सोथर्मिक हो गया, क्योंकि न्यूट्रल में तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जनरली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो न्यूट्रल एटम के लिए डिफाइन होता है, अगर कोई आयन है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए माइनस हो गया, ए माइनस में तुमने एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड किया। ठीक है, ये पहले से ही नेगेटिवली चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज में तुम और एक नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे तो क्या ये बेटा इजिली एक्सेप्ट हो पाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिपल्सन। क्यों रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। ठीक है, दोनों में देखो चार्ज क्या है, सेम ही चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रिपल्सन होगा। इसका मतलब अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड कराओगे तो तुम्हें एनर्जी सप्लाई करना होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अगर अनायन से डाई अनायन बनाओगे तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस यस सर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को क्या बोलो, एंडोथर्मिक होगा। तो हम लोग अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है P1, तो ये क्या होगा बेटा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड नहीं होता है, केवल फर्स्ट के लिए डिफाइन होगा, लेकिन कभी कभी किसी बुक में या क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इंडोथर्मिक, हमेशा इंडोथर्मिक होगा, ऑलवेज। ठीक है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इंडोथर्मिक ऑलवेज। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? सर फर्स्ट वाले जो आपने रिएक्शन में, सर उसमें से एनर्जी रिलीज क्यों होती है बेटा? यहाँ पर अट्रैक्टिव, यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, वहां पर एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर आया बेटा, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो एनर्जी डिक्रीज होगा सिस्टम का, वही एनर्जी तुम्हें वापस मिल जाएगा, यहाँ पर एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, मान लो ए और बी है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, अब अगर ए और बी पास पास आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा है ना, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, मतलब सिस्टम स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो पहले अनस्टेबल था, दूर दूर था, उतना अट्रैक्टिव फोर्स नहीं था, जब पास पास आ गए तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब जो एनर्जी है वो रिलीज होगा। जहां पर भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुमने एक बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाया है ना, तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड बनने से क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा है ना, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। समझा रहे बेटा? इसलिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगा। उसी तरह से क्रिस्टल ए प्लस बी माइनस है ना, ए प्लस बी माइनस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा ए बी है ना,
इसका मतलब ये दो कटायन और नायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा उसे क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, बाउंड एनर्जी होगा, समझ आ रहा बेटा। जहां कहीं पर भी एनर्जी रिलीज होगा या अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा वहां पर एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी, जहां पर भी बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पर एनर्जी रिलीज होगा। और किसी कोई डाउट है, और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल बहुत है, तो बताएंगे एग्जांपल, है ना। तो एग्जांपल तुम्हारा ये हो गया, अगर तुमने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन, ठीक है, न्यूट्रल नाइट्रोजन है जब तुम क्लोरीन में ले सकते हो, इसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया तो क्या बनेगा, एन माइनस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी इवन है वो क्या होगा बेटा, रिलीज होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एन माइनस तुमने इलेक्ट्रॉन और ऐड कराया तो क्या बनेगा, एन टू माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगा। तो ये इवन क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा, है ना, एक्सोथर्मिक। और ये क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक। सर हाँ बोलो। सर नाइट्रोजन का तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसमें तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा इसमें। ये सर फर्स्ट वाले हैं अभी, तो देख लेंगे अभी हम। पहले समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना इतना तो कोई डाउट नहीं होगा ना। प्लस होगा माइनस होगा बाद में देख लेंगे। इतना समझ में आ रहा है बेटा। एक और एग्जांपल देख लो, एक क्लोरीन हो गया, क्लोरीन तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, अगर तुम क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो क्या होगा, HCl- माइनस बनेगा, है ना, क्लोराइड आयन बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। याद रखो जो इनर्ट गैसेस है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, पहले से स्टेबल है नियॉन आर्गन, है ना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, इसका मतलब इसको ऐड कराने के लिए तुम्हें और एनर्जी सप्लाई करना, और एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये ऐड होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर ये इंडोथर्मिक होगा। इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंडोथर्मिक होता है। एक चीज और देख लो बेटा, यहाँ पर जो और चीज समझना बेटा तुम्हें, कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, है ना, वो क्या होगा, नेगेटिव होता है। याद रखो बेटा, डेल्टा एच मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, जब एनर्जी सिस्टम से रिलीज होता है उसको नेगेटिव से हम लोग असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ कन्वेंशन है, अगर किसी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगा तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगा। और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव होगा और इंडोथर्मिक रिएक्शन में पॉजिटिव होगा। यहाँ पर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर जो फर्स्ट वाला था रिएक्शन है, इसमें सर मतलब वो अट्रैक्शन क्यों होगा सर? अट्रैक्शन बेटा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। और किसी को डाउट है? नहीं है सर। सर डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया? इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, फिलहाल के लिए याद रखना, अगर मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। याद रखो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बाय कन्वेंशन डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बाय कन्वेंशन डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। कन्वेंशन है यहाँ पर,
और एक कन्वेंशन आया कैसे हम लोग बाद में देख लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना हम लोगों को नेक्स्ट पेज में, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है वो भी देखेंगे। डेल्टा एच मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी नेगेटिव होगा एनर्जी पॉजिटिव होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो अब देखो एटॉमिक साइज अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर न्यूक्लियस को नहीं बना लिया, और ये हो गया तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन को तुम्हें यहाँ पर ऐड कराना है, तो जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा जितना बड़ा साइज होगा उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स उतना कम एनर्जी रिलीज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही कम होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो फर्स्ट फैक्टर में, कोई डाउट नहीं है। सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर में लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे तो, ठीक है, याद रखो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। इट मीन्स जेफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। दुर्गा बेटा, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, yes, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ठीक है। Okay. उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और किसे कोई डाउट है, नहीं है, तो आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड फैक्टर या थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो अब देखो बेटा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा, जितने स्क्रीन लगा दिया जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा उतना ही कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है बेटा। पहले यहाँ पर कोई स्क्रीनिंग नहीं था, अब तुमने क्या किया बीच में यहाँ पर ढेर सारे स्क्रीन लगा दिए यहाँ पर स्क्रीनिंग, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रहा है, तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स, जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स उतना कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा शील्डिंग करोगे उतना कम क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आ रहे बेटा ये? Yes, sir. अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर से देख लो यहाँ पर, पहले यहाँ पर कोई स्क्रीनिंग नहीं था, लेकिन जब तुम यहाँ पर स्क्रीन लगाते जाओगे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जाओगे अंदर वाले सेल में उतना ही कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, और जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स उतना कम एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर तुम स्क्रीनिंग को बढ़ाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, स्क्रीनिंग को बढ़ाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, ठीक है, और जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स उतना कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर, नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, किसे ये बोला था ये, है ना। तो देखो अगर हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल है ना, हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल है तो वहां पर क्या होगा, वो पहले से स्टेबल है, मान लो तुमने नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p3, है ना, 2s2 2p3 इस तरह से तुमने बना लिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये नाइट्रोजन का है। तो यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन पहले से है, मतलब ये हाफ फील्ड है,
जो पी सबसे लो हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब ये स्टेबल है, तो ये और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा नहीं, है ना बेटा? देखो जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो ये हाफ फिल्ड से क्या होगा, ये पार्शियल हाफ फिल्ड हो जाएगा, है ना? तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम नहीं होना चाहेगा अपना ये, ठीक है? तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक कम्स जहाँ पे होगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफिनिटी तो क्या होगा बेटा, इसमें क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाफ ए हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ हाफ ए हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिक्रीजेस, ठीक है? तो अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा, ठीक है? इतना समझ आ रहा बेटा? यस। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियडिक प्रॉपर्टी क्या लोग देखेंगे? यहाँ पर दो टाइप की पीरियडिक प्रॉपर्टी है, एक है इन ए ग्रुप और दूसरा है इन ए पीरियड, है ना? बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम लोगों को एग्जांपल मिल जाएगा जो हम लोगों ने वहां देखा था, ठीक है? वो ऑक्सीजन है यहाँ पर, फ्लोरीन है, नियॉन है और यहाँ पर सब लिखा गया यहाँ पर, ठीक है? तो सेकंड ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है और ये ग्रुप 0 है। इन सबका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एनसीईआरटी में दिया गया इस तरह से। तो आप यहाँ देखो बेटा, दिया गया है इन ए पीरियड। तो अगर पीरियड में मूव करते हो लेफ्ट टू राइट जाओगे, पीरियड में क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह से ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है? लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ई ए वैल्यू क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ जाएगा इन ए पीरियड। और इन ए ग्रुप क्या होगा, इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, इन ए ग्रुप मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अगर इन द ग्रुप जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, ये टॉप है यहाँ पर, ये बॉटम है, ठीक है? टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होगा, क्योंकि जो साइज है साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? साइज देखो अगर बढ़ेगा, यहाँ देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, साइज बढ़ाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगा, ठीक है? इसलिए अगर ग्रुप में जा रहे हो ऑन मूविंग अक्रॉस द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, ठीक है बेटा? अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है उसको देख लेते हैं। तो याद रखो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है पी ब्लॉक में, इन पी ब्लॉक, ठीक है, इन पी ब्लॉक सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है? तो जो एक्सेप्शन बेटा वो पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट में देखने को मिलता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट को मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है? पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया सेकंड, सेकंड पीरियड एलिमेंट हो गया। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है वो क्या होगा, यहाँ पर बोरान के जस्ट नीचे एल्युमिनियम होता है, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे होगा सल्फर, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ठीक है? ये होगा तुम्हारा थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो याद रखो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा फर्स्ट पीरियड एलिमेंट से, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, अगर तुम क्लोरीन की बात करोगे, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन है ना, और सल्फर देखोगे किसका ज्यादा बेटा, सल्फर का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। यहाँ देखो
अगर तुमने फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर किया तो क्लोरीन का कितना है 349 और क्लोरीन का वैल्यू कितना है बेटा 2328, मतलब क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से, है ना बेटा, दिख रहा होगा। Yes. तो याद रखो जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आगे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है तो फास्फोरस ज्यादा किससे होगा, नाइट्रोजन से, सिलिकॉन का ज्यादा किससे होगा, कार्बन से, है ना। तो जनरली एग्जाम में ये तो पूछता है क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन, तो ये जनरल ट्रेंड में नहीं होता। जनरल ट्रेंड में क्या है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, तो बस सेकंड पीरियड को छोड़कर ये हमेशा ट्रू है। तो सेकंड पीरियड में मतलब कि ये वाला ग्रुप छोड़ दो, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, है ना। तो यहाँ देखो तुमने फ्लोरीन को छोड़ दिया, तो अब देखो टॉप टू बॉटम जाओ 49, 25, 295, 270 डिक्रीज हो रहा है कि नहीं वैल्यू, देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन जाओ यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। उस तरह से यहाँ देखो बेटा बस सेकंड पीरियड को छोड़ दो, है ना, सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम 200 195 190 174 डिक्रीज हो रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर भी जाओगे डिक्रीज होता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड होता है ग्रुप वन में, ठीक है। जो ग्रुप वन है, ग्रुप वन में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन आगे जाओगे यहाँ जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वहां पर ही ये सेक्शन होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया जस्टिफाई, यहाँ पर क्लियर कर दिया है इन पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट में ये सेक्शन होता है, जनरली ऑक्सीजन और सल्फर क्लोरीन और क्लोरीन वाला एग्जांपल पूछता है, तो ये एग्जांपल में पूछेगा, इसको स्टार लगा लो, बार बार यही पूछता है, है ना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देता है साइज, बिकॉज साइज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है फ्लोरिन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है फ्लोरीन से। इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया सर, क्लोरीन का साइज ज्यादा होता तो एक्सेप्ट जल्दी क्यों कर, देखो बेटा यहाँ पर जो फ्लोरीन हम लोग कर रहे हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन को तुम कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। मैं दो का बता रहा हूँ, एक है फ्लोरीन दूसरा है क्लोरीन। तो फ्लोरीन का तुमने क्या बनाया यहाँ पर, ये तुमने बना दिया दो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में, और जो सेकंड सेल है सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा फ्लोरीन के, 7 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेकंड पीरियड है इसका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन को तुमने यहाँ पर डाल दिया, अगर साइज छोटा है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पर साइज क्या है, yes, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, जो सेकंड पीरियड है इसका साइज छोटा होगा सेकंड सेल का, तो छोटे साइज में तुम इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो, पहले से वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होगा यहाँ पर आने में, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए उतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर बात करोगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहा बेटा, थर्ड सेल में, और थर्ड सेल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा थर्ड सेल में वो दूर दूर होगा, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन दूर दूर होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजीली एकोमोडेट हो जाएगा, ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए रिलेटिवली क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होता है, ठीक है। रिलेटिवली रिलेटिव टर्म्स में है ये बेटा, है ना। उसी तरह से सल्फर का ज्यादा किससे होगा, ऑक्सीजन से, स्टेबल में क्लोरीन का कम दिखा रखा है -349, ये सर मॉड्यूलस में लेंगे, नहीं नहीं ये एनर्जी रिलीज हुआ है नेगेटिव, मैंने क्या बोला था बेटा, जो एनर्जी रिलीज जो डेल्टा एच होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ओके ओके। जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव दिया गया है, मतलब यहां पर नहीं देखो तो 328 रिलीज हुआ, यहां पर 349 रिलीज हुआ, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ देखो बेटा यहाँ पर जो इनर्ट गैसेस वहाँ प्लस 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 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी देनी पड़ रही है, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब ये एंडोथर्मिक है तो इनर्ट गैस में तुम्हें एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है।
इनर्ट गैस का पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे हम लोग को पढ़ना है लास्ट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है हम लोग देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देख लो, डेफिनेशन देख लो, है ना। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, क्लास पहले क्लास से तुम देखते आ रहे हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुमने एक मॉलिक्यूल ले लिया HCl। ठीक है, HCl क्या कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो HCl में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो क्लोरीन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो बस इसका डेफिनेशन याद रखो, ये एनर्जी नहीं है, टेंडेंसी है। यहाँ देखो, इसके पहले तुमने क्या देखा था, रेडियस। तो रेडियस यूनिट क्या था बेटा, पर मीटर या एंगस्ट्रॉम वगैरह ये सब था, है ना, मीटर था, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। तो रेडियस क्या, साइज है। ठीक है, डिस्टेंस को भी तुम बोल सकते हो उसको। दूसरा था आयलेशन एनर्जी, वो एनर्जी था। थर्ड था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो भी एनर्जी है। ये क्या बेटा, टेंडेंसी है। ठीक है, और टेंडेंसी का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है टेंडेंसी। ठीक है, तो अब किसका टेंडेंसी ज्यादा होगा HCl में, क्लोरीन का टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। यस सर, यस सर। आगे देखते हैं, आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो बेटा, पहले हम लोग देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, क्या होता है। तो अब देखो, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया, इस टेंडेंसी का कुछ वैल्यू दिया। ठीक है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने वैल्यू दिया। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं वो पॉलिंग होता है, पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो पॉलिंग स्केल में लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे स्केल है, रॉचू स्केल है ना, तो अल्फ्रेड स्केल है। इन सबको नहीं पढ़ना है, उसमें से पॉलिंग स्केल में केवल टेंडेंसी को देख लेना कि किसका ज्यादा किसका कम है। तो ये वैल्यू याद नहीं रखना है, मैं केवल लिख दे रहा हूँ। अगर तुम बात करोगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 2.1 ऑन द स्केल ऑफ पॉलिंग। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना हो गया, 2.1। अब तुम आ जाओगे लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आओगे पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ होता है लिथियम। ठीक है, लिथियम के बगल में क्या होगा, बेरिलियम। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। छूट गए यहाँ पर बोरान छूट गए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अब देखो, इन सब का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे डिसाइड करोगे। हाइड्रोजन को तुमने याद कर लिया, हाइड्रोजन का हमेशा 2.1 होता है। अगर तुम लिथियम की बात करोगे, तो लिथियम को 1 दिया गया है। ठीक है, 1.0 और 0.5 इंक्रीज करते चले जाओ यहाँ तक। ठीक है, तो बेरिलियम क्या होगा बेटा, 1.5 होगा। 0.5 और इंक्रीज करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.0। 2.5 हो जाएगा बेटा कार्बन का, 0.5 और ऐड करो क्या हो जाएगा, 3.0। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 3.5। और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 4.0 ऑन पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रहेगा, yes. याद कर लोगे ना, तो हाइड्रोजन का तुम्हें याद करना पड़ेगा, बाकी इस तरह से एक पीरियड का तुम्हें याद करना है, बाकी इसके नीचे वाला जो पीरियड है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग काम इतने से ही चल जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर सेकंड फैक्टर, यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। तो जैसे देखो बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, ए और बी तुम्हारा कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना है ना, तो अगर साइज छोटा हो ए का, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली अट्रैक्ट करेगा। साइज छोटा मतलब डिस्टेंस कम होगा, है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इजीली अट्रैक्ट करेगा, जितना छोटा साइज होगा आइटम का उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। ए बेटा, तो फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या बेटा, तो एक बार वापस बता दो, वापस बता दे एक बार। देखो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है क्या, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब देखो, ये तुम्हारा बड़ा सा एटम है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना है, ये छोटा सा एटम है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना है, तो कहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, जो पास में है इलेक्ट्रॉन वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, इन दोनों का साइज देखो, किसका साइज छोटा है, वन का या टू का, टू का साइज छोटा है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज्यादा होगा, टू में या वन में, सेकंड में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, अगर सेकंड में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, सेकंड का ना, yes. तो ये रिलेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, साइज मतलब एटॉमिक रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही देख लो, ठीक है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा एटॉमिक फोर्स होगा कि नहीं, याद रखो बेटा, यहाँ पर जेफ का ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा एटॉमिक फोर्स होगा, ठीक है, इट मींस हायर द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, हायर द अट्रैक्टिव फोर्स हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो वापस बता दो दोबारा। देखो बेटा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें मालूम है ना, तो यहाँ पर तुमने ले लिया सोडियम, ये हो गया सोडियम प्लस, तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जीरो, सोडियम प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, प्लस वन, है ना, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं एटम के ऊपर, दिख रहा है, अगर न्यूट्रल है तो जीरो, अगर प्लस वन है ऑक्सीजन स्टेट तो प्लस वन चार्ज, अगर प्लस टू है तो एटम के ऊपर क्या होगा बेटा, प्लस टू चार्ज होगा, अगर ऑक्सीजन स्टेट प्लस थ्री है तो एटम के ऊपर क्या होगा बेटा, प्लस थ्री चार्ज होगा, है ना, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और तुम्हें मालूम है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराना है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, इट मींस हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम हायर विल बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, समझ में आ रहा सबको, यस सर, यस सर, एक बार और बता दो, एक बार और बता दूं सर, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टिव फोर्स कैसे बढ़ता है, अरे पॉजिटिव चार्ज इतना रहेगा तुम्हें अट्रैक्ट किसको करना बेटा, इलेक्ट्रॉन को ना, ये प्लस चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट होगा बेटा यहाँ पर, यस सर, मालूम है ना बेटा, फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ना, यस सर,
ये मैंने बताया है, नोट कर लो उसको, लिख लो f is equal to q1 q2 divided by r square constant की जगह में यहाँ पर, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, और जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्या आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर, दिख रहा है सबको। तो ये परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, यहाँ देखो नीचे बनाया गया है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन एस पी है, देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अगर हाइब्रिडाइजेशन एस पी है तो परसेंटेज एस करेक्टर 50% हो गया है ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना है 3.25। अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एस पी टू है तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा 33.33%, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.75। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.48 होगा। तो अब ये परसेंटेज एस करेक्टर आया कैसे उसको देख लेते हैं, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल बताओ कितना होगा, एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 हो गया। s ऑर्बिटल कितना है, 1, s ऑर्बिटल इक्वल टू 1 है ना। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, परसेंटेज s करेक्टर, मतलब परसेंटेज s ऑर्बिटल। तो परसेंटेज करेक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ s ऑर्बिटल आउट ऑफ टोटल ऑर्बिटल, ठीक है। परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो कितना आ रहा है परसेंटेज, ऐसे एक बार बता दो 1/2, मतलब वापस बता दो 50% होगा कि नहीं होगा ये। Yes. बेटा दिमाग यहाँ रखो, खुला रखो, थोड़ा सा देखो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर sp2, फिर से देखो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो क्या होगा, तो यहाँ तुम काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, एक s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल कितना है यहाँ पर, बोलो जिसने क्वेश्चन पूछा था वो बताएगा कितने p ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया 2+1 हुआ। अब यहाँ काउंट करोगे s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल कितना है बेटा, एक ही तो s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल। परसेंटेज s करेक्टर निकालना है, s करेक्टर जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, तो s ऑर्बिटल आउट ऑफ टोटल ऑर्बिटल, ठीक है। एक s ऑर्बिटल है आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना होगा 33.33%। उसी तरह से sp3 का परसेंटेज करेक्टर निकालना है ना। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स कितने हैं, ऑर्बिटल यहाँ पर है टोटल 4 ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कितना है, s ऑर्बिटल 1 है, परसेंटेज करेक्टर कितना होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 125%, ठीक है, देखो 25%। और ये तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुम्हें बताना है किसका ज्यादा किसका कम। यहाँ तुम्हें आइडिया लग जा रहा है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। समझ में आ रहा है बेटा सबको, यस सर। बड़े हाँ बोलो सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है बस तुम्हें कंपेयर करना है, ये यहाँ पर टेबुलर वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें कंपेयर करना है किसका ज्यादा किसका कम है, तो किसका ज्यादा होगा बेटा, जहाँ पर परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होगा, अगर तुम्हें कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी का, एसपी टू का, एसपी का, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, एसपी का, ठीक बेटा। यहाँ पर निकालना नहीं, इसका एक्चुअल वैल्यू हमें निकालना नहीं है, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे तो इस तरह से।
ऐसा कोई मेथड नहीं निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया गया है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिख दिया गया। आगे देखते हैं पीरियडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पीरियडिसिटी देख लेते हैं, फर्स्ट पीरियडिसिटी है इन ए पीरियड। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, इन ए पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर लेफ्ट राइट जाओगे तो क्या होगा, जेप्ट वैल्यू बढ़ेगा, जितना ज्यादा जेप्ट वैल्यू होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेप्ट वैल्यू इंक्रीज होता है, अगर जेप्ट वैल्यू इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा, याद हो गया। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, इन ए ग्रुप, ग्रुप का मतलब साइज देखते हैं, जब भी ग्रुप की बात किया हूं मैं साइज की बात किया हूं। अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, है ना। तो साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, जैसे तुम्हारे सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, इस तरह से अलग अलग एलिमेंट है, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा ना। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है तो यहाँ पर रेडियस ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। तो अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगा। तो याद रखो जो पीरियड में होता है उसका उल्टा होगा ग्रुप में, है ना। जितने भी प्रॉपर्टी तुमने देखा है चारों प्रॉपर्टी में, अगर पीरियड में इंक्रीज हो रहा है तो ग्रुप में डिक्रीज होगा, अगर पीरियड में डिक्रीज हो रहा है तो ग्रुप में इंक्रीज होगा, ठीक है। yes. और किसे कोई डाउट है? नो सर। चलो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नंबर वन एप्लीकेशन देखेंगे यहाँ पर, द पार्शियल आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। पार्शियल आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, तो तुम्हें मालूम है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें पार्शियल आयनिक करेक्टर होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो उसको कैसे निकालोगे, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, वेयर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ए, बी कर दो यहां पर, ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी इन मॉलिक्यूल ए बी, ठीक है। तो अब क्या किया बेटा, तुमने एक मॉलिक्यूल लिया ए बी, मॉलिक्यूल क्या है बेटा, ए और बी, तो ए का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो एक्स वन है, बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है बेटा, एक्स टू, समझ आ रहा बेटा। ने मॉलिक्यूल बनाया ए बी, ए बी मॉलिक्यूल में ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स वन है, बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स टू है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक और भी हिंट दिया गया है, कमेंट लिखा गया है, इफ डेल्टा एक्स इज, कैलकुलेशन के बाद बताया गया है, इफ डेल्टा एक्स इज 1.7 then ionic percentage is above 50%. मतलब अगर difference in electron negativity 1.7 से ज्यादा है तो molecule क्या होगा, ionic, जो molecule है molecule will be
आयनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, आयनिक कंपाउंड होगा, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एचएफ मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो एचएफ मॉलिक्यूल का लो सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, केयरफुली यहाँ पर देखना जो मैं एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है परसेंटेज, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ दिया क्वेश्चन में परसेंटेज आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर एंड एचएफ मॉलिक्यूल, कुछ नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है, पूछ गया व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक करेक्टर एंड एचएफ मॉलिक्यूल। तुम्हें मालूम है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने लिखवाया ऊपर 2.1, हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पर, याद करने बोला था हाइड्रोजन का 2.1, और फ्लोरीन का कितना है 4.0, ठीक है, फ्लोरीन का 4 है। तो इसको यहाँ पर रख कर निकालेंगे, हाइड्रोजन का हो गया 2.1 और फ्लोरीन का क्या हो गया, फ्लोरीन का हो गया 4.0 या 4 हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एक्स निकालेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू 4 - 2.1, कितना आ गया बेटा डेल्टा एक्स यहाँ पर, यहाँ हो गया 1.9 आ गया, है ना। तो 1.9 is greater than 1.7, इसका मतलब जो HF मॉलिक्यूल है वो क्या है, आयनिक है या कोवेलेंट है, आयनिक, 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 आयनिक है ना, HF मॉलिक्यूल स्लाइटली आयनिक है, कोवेलेंट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, तो परसेंट आयनिक करेक्टर यहाँ लिखोगे, परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू, तो फार्मूला क्या है यहाँ पे देखो, फार्मूला लिखा हुआ है 16 डेल्टा एक्स, ठीक है, 16 टाइम डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर, 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू कर दोगे यहाँ पर, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.9 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.9 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.9 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.9 इसका स्क्वायर है, एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 1.9, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है, हाँ ये आ गया 43.035 आ रहा है, ठीक है, मतलब जो आयनिक करेक्टर है वो 43% है, तो 50% से ऊपर नहीं आ रहा है यहाँ पर, यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ऊपर दिया गया है, हम लोग यहाँ पर 50% हटा देते हैं, यहाँ पर 50% नहीं आ रहा है, ठीक है सर। हाँ सर, वहाँ पे सिर्फ 1.7 के लिए तो लिखा है 50%, अच्छा 1.7 के लिए लिखा गया, ठीक है, ये 1.9 है, तो यहाँ पर 43.05%, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, तो इतना परसेंट आयनिक करेक्टर है, ठीक है बेटा। नोट कर लो उसको, उसी तरह से हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल में भी निकाल सकते हैं, HCl मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हो, HBr के लिए भी और HI के लिए भी निकाल सकते हैं, बस यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दिया होना चाहिए, ठीक है। तो इन सबका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दिया होगा तो इन सबका भी परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो, यहाँ देखो बेटा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ डेल्टा एक्स डिक्रीजेस, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बॉन्डेड एटम डेल्टा एक्स डिक्रीजेस, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, ठीक है, बॉन्डेड एटम का डेल्टा एक्स क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं इस स्टेटमेंट का, हटा देते हैं स्टेटमेंट को, काट देते हैं, तुम्हें मालूम है बस, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना बेटा यहाँ पर, तो पार्शियल आयनिक करेक्टर का जो फॉर्मूला है तुम्हें यहाँ पर याद रखना है, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर,
इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ठीक है बेटा, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर। आगे बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एक्स। ठीक है, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। समझ में आ रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा, यहाँ देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो मालूम बेटा जो ऑक्साइड है वो दो टाइप का होता है, या तो ऑक्साइड एसिडिक होगा या तो ऑक्साइड बेसिक होगा। ठीक है, मालूम है ना ऑक्साइड? ऑक्साइड क्या होता है, जैसे एलिमेंट हो गया सोडियम हो गया ना, तो सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा? सोडियम का ऑक्साइड होगा Na2O। ठीक है, अगर बात करोगे मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा बेटा? MgO। अगर एल्युमिनियम की बात करोगे तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा? Al2O3। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है। देखो इस तरह बनाओगे, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो वैलेंसी को इंटरचेंज कर दोगे तो क्या होगा? Al2 और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, Al2O3 तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, बात करो कार्बन का, कार्बन का ऑक्साइड हो जाएगा CO2। ठीक है, CO2, और उसके बाद क्या है कार्बन के बाद? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा N2O3। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है 3 होगा। बात करेंगे हम लोग आगे ऑक्सीजन का ऑक्साइड, तो ऑक्साइड मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये सब ऑक्साइड है यहाँ। तो अब देखो यहाँ पर लिखा गया एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉर्मल एलिमेंट इन ए पीरियड। बेसिक नेचर इज डिक्रीजेस, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा है ना, हायर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, और एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे अगर हम लोग किसी पीरियड में बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट का, तो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बना रहा हूँ। जो पहला एलिमेंट है सेकंड पीरियड एलिमेंट में वो है सोडियम। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, थर्ड पीरियड एलिमेंट ही है सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम। अल्मोनियम के बाद क्या आएगा बेटा यहाँ पर? अल्मोनियम के बाद आएगा यहाँ पर कार्बन के बाद सल्फर, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन होगा यहाँ पर, फास्फोरस, उसके बाद क्या होगा बेटा? सल्फर, और यहाँ पर क्लोरीन होगा। क्लोरीन के बाद तो इनर्ट गैस है, तो बात ही नहीं कर इनर्ट गैस की। अब इन सब का ऑक्साइड बना लेते हैं बेटा, ऑक्साइड बना लेते हैं, तो सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा? Na2O। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा बेटा? MgO। अल्मोनियम ऑक्साइड क्या होगा? Al2O3। सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होगा? SiO2, सिलिका होता है। ठीक है, ये किसका ऑक्साइड क्या होगा बेटा? ये होगा P2O5 या P2O3, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, P2O5 हो सकता है। सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा? सल्फर का ऑक्साइड SO2। ठीक है, SO2। क्लोरीन का ऑक्साइड क्या होगा? Cl2O7। ठीक है, तो ये सब ऑक्साइड्स हैं। ठीक बेटा, तो याद रखो बेसिक जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उतना एसिडिक नेचर होगा, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा बेटा? बढ़ता चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका? सोडियम का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका है? क्लोरीन का, है ना। तो जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर क्या होगा? देखो बेसिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, तो बेसिक नेचर यहाँ पर डिक्रीज होगा, मतलब बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? सोडियम का, और सबसे कम किसका होगा? क्लोरीन के ऑक्साइड का। ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर है वो बढ़ता चला जाएगा।
तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा यहाँ पर? क्लोरीन का ऑक्साइड है ना? यस सर। तो यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्साइड है उसका नेचर बढ़ेगा। तो ये जो एरो है बेटा इंक्रीज का एरो बना रहा हूँ मैं, जहाँ पर एरो का हेड है वहां पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक नेचर देखो क्या हो रहा है, टेल यहाँ पे जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा बेटा? सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो ये दो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों होता है देखो बेटा, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर होता क्या है? एसिड मतलब क्या होता है? एसिड मतलब बेस से रिएक्ट करना है ना, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रहा है, क्लोरीन का अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा। और तुम आगे पढ़ोगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और नोन एज, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और नोन एज एसिड्स, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और नोन एज बेसिस, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए उसका एसिडिटी ज्यादा होगा। इसलिए जो क्लोरीन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका एसिडिटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आगे तुम पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, नेक्स्ट पेज में है चैप्टर, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर से कोई डाउट नहीं है थर्ड प्रॉपर्टी में, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा है ना, उतना ही कम क्या होगा बेटा? देखो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दिख रहा है बेटा? मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इंक्रीज करोगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सोडियम ले लो, एलिमेंट ले लो अलग अलग, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम बाद यहाँ तुमने लिखा था सिलिकन, फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किससे ज्यादा है? क्लोरीन का। और मेटेलिक करेक्टर किससे ज्यादा है बेटा? सोडियम का। तो जितना ज्यादा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, और ये क्या बेटा? मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर है ना। तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है मेटेलिक करेक्टर उतना कम है, मेटल मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो सोडियम क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, जिसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो स्टेटमेंट को याद रखना है ना, तो स्टेटमेंट क्या है बेटा? मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज। इससे कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, ठीक है। Arrange the following compound in order of their decreasing stability if electron negative difference of the element are as follows, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी बताना है, तो एच एफ एन सी एल थ्री एच बी आर एच आई एच सी एल का स्टेबिलिटी बताना है। तो बेटा जहाँ पर डेल्टा एक्स ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, याद रखो। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इन सब का डेल्टा एक्स निकालो, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा डेल्टा एक्स ज्यादा होगा, तुम्हें मालूम चल जाएगा। करो बेटा खुद से करो, ट्राई करो, क्या ऑर्डर आ रहा है बताओ मुझे। सेकंड ऑर्डर बताना बेटा, ऑर्डर पूरा, कौन ज्यादा उससे कम कौन होगा, उससे कम कौन होगा, ये होता ऑर्डर। मोस्ट स्टेबल क्या बोलो? एनसीएल3 तुम बोल रहे हो,
एक मिनट करो, ट्राई करो। सर मोस्ट स्टेबल एचएफ है, मोस्ट स्टेबल एचएफ आ रहा है, ये हमारे इधर एचएफ तुम्हारा आ गया। फिर उसके बाद एचसीएल, एचसीएल बोल रहे हो। उसके बाद एचबीआर, एचबीआर। उसके बाद एचआई, एचआई। और एनसीएल थ्री, एनसीएल थ्री सबसे लास्ट में आ रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर सर्वसन भी है तो सर्वसन देखो यहाँ पर ये दिया गया है, है ना। एचएफ का डिफरेंस रिलेटिव 1.9 है, एनसीएल थ्री का 0 आ गया। देखो लीस्ट स्टेबल मतलब इंस्ट नहीं करेगा ये तो जो एनसीएल थ्री है वो एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव है ना। तो भी यहाँ देखो, यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑलमोस्ट 0 है, है ना। ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है एनसीएल थ्री, ठीक है। और बाकी सबका यहाँ पर दिया गया है, निकाल सकते हो, देख सकते हो, ठीक बेटा। इससे कोई डाउट है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस तुम्हें डेल्टा एस डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नीचे दिया गया है। जहाँ पर डिफरेंस ज्यादा होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, जहाँ पर डिफरेंस सबसे कम है वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो हम लोग पढ़ना है यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी, क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी का, वो है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक टेबल के लिए। और देखेंगे बेटा कुछ एलिमेंट अपने डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट से सिमिलरिटी रखते हैं, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो मैच करते थोड़ा, है ना। तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है सेकेंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट में ही होता है। डायगोनल रिलेशनशिप कहाँ होगा बेटा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। और कहीं पर डायगोनल रिलेशनशिप नहीं होता पीरियडिक टेबल में। तो ये तुम्हारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। आगे क्या होगा यहाँ पर, कार्बन के बाद क्या आएगा बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन। सिलिकन के बाद यहाँ पर क्या होगा बेटा, फॉस्फोरस, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। तो जो एलिमेंट है अपने डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट से कुछ न कुछ प्रॉपर्टी मैच करता है ना। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर रिजेम्बलेंस मतलब प्रॉपर्टी मैच करता है, ठीक है, क्लोजली रिजेम्बलेंस। तो नाइट्रोजन का जो प्रॉपर्टी है फॉस्फोरस से मैच करेगा, नाइट्रोजन का सल्फर से, कार्बन का फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन का क्लोरीन से, है ना। तो ये सब एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरान रिजेंबल क्लोजली विथ एलिमेंट ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट द नेक्स्ट हायर ग्रुप। डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू, देखो यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है, कैसे आता है ये, है ना, पूछता है यहाँ पर। सो डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ आयन एंड ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो साइज है वो क्या होगा, साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, सिमिलर, मेरे इधर सिमिलर, ठीक है। तो साइज अगर सिमिलर होगा तो क्या होगा बेटा, सिमिलर साइज एंड ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो भी क्या होगा बेटा, सिमिलर, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन पूछेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, तो वहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा, दोनों सिमिलर साइज एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। आर मोर करेक्टली इट्स ड्यू टू सिमिलर पोलराइजिंग पावर ऑफ आयन, ठीक है। या तो ये दोनों ना देकर क्या, ये दोनों कंबाइनली क्या पढ़ सकते हो, सिमिलर पोलराइजिंग पावर, सिमिलर पोलराइजिंग पावर। या तो ये दोनों देना होगा बेटा एग्जाम में, साइज सिमिलर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी सेम होगा तभी डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, या फिर एक सेंटेंस बोल सकते हो तुम सिमिलर पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, चार्ज बाय रेडियस, ठीक है। मैंने बताया था जो पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर चार्ज
चार्ज डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है, ये होता है पोलराइजिंग पावर, रेडियस स्क्वायर मतलब साइज, ठीक है। तो अगर पोलराइजिंग पावर सेम है तो दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो मैच करता है, तो डायगोनल रिलेशनशिप इज प्रीडोमिनेंट ओनली इन हायर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लाइटर, तो डायगोनल रिलेशनशिप इज प्रीडोमिनेंट ओनली इन लाइटर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, याद रखो ये केवल और केवल सेकंड और थर्ड ग्रेड एलिमेंट होता है, बस काम खत्म, ठीक है, सेकंड और थर्ड ग्रेड एलिमेंट में ये रिजेम्बलेंस होता है। और किसी कोई डाउट तक पूछ सकते हो? सर पर यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर का साइज सेम होगा नहीं, कैसे होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा, सिमिलर बोला, सेम नहीं बोला, सिमिलर। देखो क्या होता है ना, यहाँ देखो मैं यहाँ पर ये दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम का, ठीक है, तो लिथियम मैग्नीशियम का साइज तो देखना है, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इन ए पीरियड डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज, इंक्रीज होगा, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज होगा, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया कि नहीं, पहले डिक्रीज हुआ साइज फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ओके सर, ओके, है ना। और किसी कोई डाउट है? पर अगर वैसे देखा तो लिथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो शायद सेल्स का फर्क नहीं पड़ेगा। जेफ जेफ वैल्यू यहां पर तुम्हें क्या देखना होगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेफ, ठीक है, जेफ वैल्यू, जो जेफ वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम होता है लिथियम और मैग्नीशियम का, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम में भले ही 12 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बीच में ढेर सारा क्या है बेटा, सिग्मा है, यहां पर सिग्मा स्पिनिंग इफेक्ट हो रहा है, तो स्पिनिंग इफेक्ट से क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो चिप वैल्यू है लिथियम मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट सेम होता है, ओके सर। और किसी कोई डाउट है? नहीं है, तो आज के बेस्ट तुम लोग एग्जाम के लिए, बाकी लोग छोड़ सकते हो, बाकी और जिसको डाउट है वो रहेंगे क्वेश्चन पूछोगे तुम लोग, ठीक है, तो बाकी तुम लोग प्रिपेयर करो बेटा एग्जाम के लिए, ओके सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी कोई डाउट है? गौतम, देवेश, राहुल, सर हाँ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जिसको डाउट नहीं है वो छोड़ सकता है बेटा यहाँ पर, किसी को कोई डाउट नहीं है, लक्ष्य कोई डाउट है तुमको, ओके बेटा, तो हम लोग मिलेंगे टेस्ट के बाद, टेस्ट के बाद बेटा जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया उसका डिसीजन होगा, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आया है उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, जो टेस्ट का जो पहला क्लास होगा उसमें केवल क्वेश्चन डिसीजन होगा, ठीक है, तो तुम लोग प्रिपेयर रहना। हाँ सर, जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की देखते हैं ना? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर बेटा? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा प्रॉपर्टी था सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब क्या था? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? सर किसी भी एलिमेंट का। हां तो क्या करना है बेटा, क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हारा। सर सिमिलर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है सर वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की देखते हैं ना? बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिसिटी देखते हैं एक ही ऑर्बिटल का, मतलब एक ही सब सेल का, ऑर्बिटल का नहीं सब सेल का, जैसे पी सब सेल हो गया है ना, तो पी सब सेल में सिमेट्रिकल यहाँ पर 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखेंगे सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है,
एस का तो नहीं देखेंगे ना, एस एस तो सिमेट्रिकल होगा ही, एस तो सिमेट्रिकल ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पर होगा, ऑर्बिटल होगा वहां पर, एस की बात नहीं करेंगे। एस और पी दोनों सिमेट्रिकल नहीं होंगे ना, एस और पी दोनों सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, एस तो सिमेट्रिकल होगा, पी सिमेट्रिकल नहीं होता। देखो पी अगर ऑर्बिटल को बात किया जाए, पी ऑर्बिटल क्या डबल शेप है ना। यस सर, क्वेश्चन पूछा तुम, क्वेश्चन में मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है सर? वो आ गया समझ मुझे, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड इवनिंग सर।